वो जुलम तो नहीं कर रहा, एंड वो बदले। बोलता है, कहता है बदले लेता हूँ तुझसे, मैं बदले लूंगा। तो ये गेम है, ये चलता अच्छा आइडिन कितना कमा लेता होगा पतली। हर शे वाड़ बोल के अगर ना ले जाओ एक चल, सिंपल सिंपल सिंपल। ओके सिंपल, नहीं यही तो लाइफ का मजा है, वो जब आपकी स्क्रीन पे जब शेर आता है और तो एकदम शोर भरपा हो जाता है। एक शेर की बात कर रहे हैं तो मेरी एक गेम है, उसमें 9 शेर मुझे एक गेम में पड़े हुए हैं। ओके एक मैच तेरे ना खेलेंगे आज, ठीक है यारा, मेरे को कोई भी नहीं, मैं हार जाऊंगी। आपको पता है नटर के लिए मैं हमेशा कहती होती थी उसको कनेक्ट करके, उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम, एआरएस पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नादिन आज आपकी मुलाकात एक ऐसे स्टार से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी कामयाबियां समेटी और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी अपना सिक्का मनवाया। मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं दीदार। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, मैम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम मुझे बताइएगा कि सबसे पहले आपकी जो फिजिक है इसका क्या राज है, आज भी आप बारबी डॉल की तरह हैं, क्या वजह है, क्या डाइट करती हैं, क्या खाती हैं? पहले तो थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट के लिए। और दूसरा ये कि कुछ जेनेटिक है, नेचुरल है। और तीसरा ये कि एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिम करने पड़ते हैं, तो इस वजह से आप फिट रहती हैं जी। अच्छा दूसरे नंबर पे टिकटॉक आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं और आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लाइव भी आती हैं, लाखों की तादाद में लोग आपको देखते हैं, आपके फैंस हैं। क्या ऐसी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है कि जब भी लाइव आती हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आपको गिफ्टिंग करते हैं, पनिशमेंट करती हैं तो लाखों रुपया लगा देती हैं, क्या करती हैं? देखिए ये लोगों की मोहब्बत है, वो चाहते नहीं मैं पनिशमेंट करूं। तो अगर कोई मुझसे पनिशमेंट करा ले तो वो लोगों को गुस्सा आ जाता है और फिर दूसरे बंदे की शामत आ जाती है। कमेंट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में नहीं, यहाँ पे शामत देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कमेंट करने से शामत नहीं आती, गिफ्टिंग करने से आती। अच्छा, जब आपको गिफ्टिंग होगी तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा हारेगा, फिर आप उसको पनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुकाबला सिर्फ गिफ्टिंग का होता है, कमेंट का कोई मुकाबला नहीं होता। तो बस लोगों की अच्छा कह के करवाई जाती है गिफ्टिंग या फैंस अपनी मर्जी से करते हैं? देखिए आते अपनी मर्जी से हैं, उसके बाद उनको वहाँ पे रोकना, क्योंकि एक उंगली पे स्वाइप है, वो स्वाइप करते जाएंगे दूसरी लाइव आ जाएगी, स्वाइप करेंगे दूसरी आ जाएगी। तो अगर कोई आपकी लाइव पे आ गया है तो उसको वहाँ पे रोकना, ये आपका टैलेंट है। आप क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, या किस कंटेंट पे चल रहे हैं आप, और लोगों को आपकी वो चीज़ पसंद आ रही है या नहीं, फिर उसके ऊपर लोगों को हाइप क्रिएट करना गिफ्टिंग के लिए। मेन चीज ये है टैलेंट। खाली लाइव में आके लोग बैठ जाते हैं जी गिफ्टिंग हो जाती, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी हाइप क्रिएट करनी पड़ती है और बहुत सारे पैसे के साथ, मैं कहती होती हूँ कि बहुत सारे पैसों के साथ बेस्टली कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये दोनों चीजें वहाँ पे साथ साथ है। और ये है कि इंटरटेनमेंट अच्छी जबरदस्त किस्म की, हमारे लिए भी, हम भी बहुत बोर होते हैं, हम कहते हैं चलो लाइव चलते हैं, और लोगों के लिए भी। मैम खास तौर पे लीडर जिसकी दुनिया फैन है, लेकिन एक खास चीज जो मैंने देखी वो आपका फैन है, क्या ऐसा किया आपने? पहले तो मैं उसको लीडर कहती नहीं, उसका नाम पतलू है, मैं पतलू कह के बुलाती हूँ, लीडर तो नहीं है वो हमारा। हाँ जो उसको पसंद करते हैं उनके लिए लीडर है, और मेरे लिए पतलू एंड यूसुफ दोनों एक बराबर है, क्योंकि मैं दोनों के साथ प्ले करती हूँ और मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, और दोनों मुझे बहुत दिल से पसंद है। दोनों के कॉन्टेंट अलग है, एक बहुत अच्छा हंसा लेता है लोगों को, एक बहुत अच्छा हाइप क्रिएट कर लेता है, एक के पास आवाम बहुत ज्यादा है, एक के पास गिफ्टर्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ है, और अल्लाह ताला उनको इसी तरह कामयाब बना देता है। तमाम जो भी शोबिज के लोग देख रहा हूँ, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा, वो पतलू के साथ लाइव आने के लिए एक कह लें कि किसी भी हद तक जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कह लें कि सिफारिश कर लेंगे या कॉल पे जाके कि लाइव हमारे साथ एक मैच लगाएं, वो जाहिर ही बात है पतलू जो है इस टाइम एक टिकटॉक का जो है ना बिताज बादशाह है, वो जिसके साथ लाइव आते हैं ना उसकी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, तो वो मुसलसल आपके साथ आता है और आपके साथ मैच लगाता है और बड़ी सॉफ्ट पनिशमेंट देता है, तो क्या ये इसमें क्या खास बात? पता नहीं ये उनकी मोहब्बत है, बाकी वो जब मेरे साथ गेम खेलते हैं बहुत फनी वे में खेलते हैं, वरना वो एकदम हाइपर भी हो जाते हैं, पर हमेशा हमारी गेम जो है वो मजाक में ही जाती है, हंसते खेलते खत्म हो जाती है और हल्की फुल्की पनिशमेंट पे खत्म हो जाती है। 60,000 की, 1,00,000 की? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कॉइंस वाली पनिशमेंट्स नहीं, नहीं नहीं, वो जब आपको कहते हैं कि अपने मुलाजमीन को 10,000 दे दे, वो लास्ट टाइम उसने मुझे फटी, जब आपने कहा था ना हाँ फटीक किया, उसने 60,000 दिलवाया। अच्छा वापस तो नहीं लिए थे? नहीं नहीं,
उन्होंने कहा था नहीं वापस नहीं, ये कपड़े दिलवा देता है, कहता है सबको कपड़े दो अपने, इस तरह के पनिशमेंट। बुरा तो नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत काइंड पनिशमेंट। अच्छा, मुलाजमीन तो खुश होंगे कि मैडम रोज आए और पतलू के साथ ही, हमारी तो दिहाड़ी सीधी हो। नहीं नहीं, वो ऐसी पनिशमेंट नहीं देता, बहुत हार्ड पनिशमेंट देता है, मुझे बहुत काइंड पनिशमेंट देता है वो। अच्छा, और अगर मैं जीत जाऊँ तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं उससे लास्ट जीती थी, मैंने कहा यहाँ पे मेरा नाम लिख लो, तो इस तरह के कभी कपड़े पड़वा दिए उसके, इस तरह। हाँ, लेकिन जब उसकी व्यूअरशिप कम थी तब हम उसके साथ बहुत जरूर करते थे। अच्छा, ऐसा था? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने ये देखा कि पतलू हाइप पे लोगों के साथ आ रहा है, उसका वो स्टार्ट किसी ने नहीं देखा। नहीं नहीं, मेरा एक आईडी है, उसका नाम है दीदार राजपूत, और निकनेम दीदार राजपूत है, और नीचे नाम है उसका दीदार लाइव। अगर आप वो आईडी देखेंगे तो आपको वहाँ पतलू के सब वीडियोस मिलेंगे कि किस किस टाइप के मैंने उससे पनिशमेंट करवाए हुए हैं। वो जुल्म तो नहीं कर रहा, बदले बोलता है, कहता है बदले लेता हूँ, बदले लूंगा, तो ये गेम है, ये चलता है। अच्छा, आईडी कितना कमा लेता होगा पतलू, क्योंकि क्लास रही बहुत ज्यादा है, आपको तो पता होगा आप कर रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है, बस ये कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जितना कमा रहे अल्लाह करे इससे भी चार गुना कमाए। अच्छा, इसमें जो एक लाइन गिफ्ट किया जाता है उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है और आपको कितने ट्रांसफर होते हैं? उसको अगर आप रिचार्ज करें, क्योंकि मेरा काफी बार एक्सपीरियंस हो चुका है उसको रिचार्ज करने का, तो 1,06,000-07,000 का आता है एक लाइन। जी, एक लाइन। और जब वो गिफ्टिंग में चला जाता है और होस्ट को मिलता है तो वो $150 मिलता है, यानी कि तकरीबन कोई 45,000, उससे भी कम। उससे भी कम, तो आप डायरेक्टली सेंड कर दें वो ठीक नहीं है? नहीं, यही तो लाइव का मजा है, जब आपकी स्क्रीन पे जब शेयर आता है और आप तो एकदम शोर भरपा हो जाता है। एक शेयर की बात कर रहे हैं तो मेरी एक गेम है, उसमें 9 शेयर मुझे एक गेम में पड़े हुए हैं, जो शेयर मारने वाले दिल भी शेयर का ही रखते हैं, एंड उससे भी बड़ी गिफ्ट है यूनिवर्स, तो उससे भी कई गुना महंगी है। वो कितने की है? आई थिंक वो 170 की है, और अभी उससे भी बड़ा एक गिफ्ट आ गया हुआ है, एक ईगल का है, उससे भी महंगा है, तो गिफ्ट्स तो। अच्छा, बहुत से लोग हैं, आप हैं जैसे लीडर, बहुत अच्छा कंटेंट कर रहा है पतलू, उसको मैं कहूंगा, क्योंकि लीडर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लीडर के नाम से लोग उसको जानते हैं, पतलू से शायद कम जानते हो। लोग कंटेंट बना रहे हैं, कुछ हद से गुजर रहे हैं फेम के चक्कर में, अखलाक से गिर रहे हैं, और वहाँ अजीब हरकत की जा रही है कि मैं आपके साथ बैठी है कि मैं वो बात भी नहीं शेयर कर सकता, आप कंटेंट कर रहे हैं डिसेंसी में रह के, क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? देखिए, मैं उनको कुछ नहीं कहूंगी, मैं उनको गलत कहूंगी जो उनके साथ प्ले करते हैं और बार बार करते हैं। एक बार गलती से आपके साथ हो गया, अगली बार आपके पास चॉइस है, आप ना प्ले करें, अनफॉलो कर दें, ब्लॉक कर दें, एक्सेप्ट ना करें उसकी रिक्वेस्ट को, तो ये खुद करवाया जाता है अपने साथ। किसी की इतनी जरूरत नहीं होती कि बार 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 आपके साथ कोई चीज करे, तो ठीक है, वो डिजर्व करते हैं जो करवाना चाहते हैं। अच्छा मैम, लास्ट में जाते हुए आपसे चंद मैं नाम लूंगा आपकी फील्ड के, टिकटॉक के, आपने उनके बारे में कॉम्प्लीमेंट देना है। पतलू, बेस्ट एंटरटेनर। नटर, आई लव नटर। सूफी, आपको पता है नटर के लिए मैं हमेशा कहती होती थी उसको कनेक्ट करके, उस्ताद जी, ही इज द उस्ताद। ना करें, सीरियसली, वो क्यों? उसके उसका करिश्मा कुछ और है। मैं जब अपनी लाइव ऑफ, सब लोग जब अपनी लाइव ऑफ करते थे वो नटर की लाइव में जाते थे, तो नटर की भी उस टाइम में लोगों ने उसको यूज भी बहुत किया, फेम लिया उसके लिए। सर बिल्कुल लिया है, और नटर की भी मैं आपको बात बताऊं, नटर बकाया लोग बिना पूछे बदतमीजी करते हैं, नटर पूछ के बदतमीजी करता था। अच्छा। कि मैं ये बात करूँ, करता हूँ, मेरा ये कॉन्टेंट है, मैं गंदी बातें करता हूँ, यू वांट टू प्ले, खेलना चाहती हो या नहीं खेलना चाहती हो, नहीं खेलना चाहती तो कट कर दो। लोग भी उसके पास फेम के लिए जाते थे, बिल्कुल, और जो लड़की कहती थी मैं खेलना चाहती हूँ वही खेलती थी। सूफी, बहुत सारी और लड़की हैं, क्या कहेंगी उसके बारे में? बहुत सारी, सूफी अपनी जगह बहुत अच्छी है, अभी वो अलग तरीके से खेलती हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो नटर की ये बात है कि नटर बता के करता था, बकाया लोग सब कुछ करते हैं बिना बता।